तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए एग्जाम हुआ है और पेपर का नाम है सेक पेपर, जो कि बीए बीकॉम बीएससी यानी कि यूजी सेमेस्टर थ्री के लिए कंपलसरी पेपर होता है। और पेपर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि भारत का संविधान और मानव अधिकार। सेट वन का पेपर है। आप चाहे झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, सभी के लिए काम में दे देगा। ठीक है, देखिए 21-24 सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको 1.5 घंटे दिए गए हैं, फुल मार्क्स 40 है और 400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इसमें। यार थोड़ा खांसी हो गया है। कोई बात नहीं, ये सब तो लगा ही रहता है, खांसी बुखार जुकाम ना। चलिए काम हमें करना है, तो देखते हैं। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। अभी जितने भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने बाकी हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया गया। इंग्लिश में है कि व्हेन द ड्राफ्ट कमीशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष परमानेंट सेक्रेटरी चुने गए थे। ठीक है, और 9 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तीसरा क्वेश्चन है, किस आयोग ने संविधान की अनुशंसा की। तो कैबिनेट मिशन ने जो है संविधान सभा की अनुशंसा की थी, कैबिनेट मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे। हाउ मेनी मेंबर वेयर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत जब विभाजन हो गया था उसके बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे, 299। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है, निम्नांकित में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फेडरलिज्म। तो संघवाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये सभी जो है संघवाद की ही विशेषता है। संघवाद की विशेषता यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है जो आता हो, तो इनमें से नहीं हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि संघवाद की विशेषता है दोहरा शासन, निष्पक्ष न्यायपालिका, केंद्रीय शक्तियाँ, ये तीनों विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव। ठीक है, बी एन राव, नरसिंह राव पूरा नाम था, बेनेगल नरसिंह राव। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान है कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, तो इसमें पूछा गया है कि किसे भारतीय संविधान का शिल्पीकार माना जाता है। हु इज नो एज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारतीय संविधान का शिल्पीकार या पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भारतीय संसद के अभिन्न अंग हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा देश संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है। तो दोस्तों ब्रिटेन, जिसको हम लोग इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, यह संसदीय व्यवस्था का जननी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग भारत एवं उसके भू क्षेत्र से संबंधित है। तो संविधान का भाग एक जो है भारत और उसके भू क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि इंडिया
ठीक है, इंडिया भारत जो है राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद एक जो है घोषणा करता है कि इंडिया भारत राज्यों का संघ है, देश नहीं बोला गया है इसको, राज्यों का संघ बोला गया है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करता है, ठीक है, या प्रदान किया है। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था, इसी में ऐसी बातें बोली गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध माना जाता है। तो देखिए आत्महत्या को दंडनीय अपराध माना जाता है और ऐसा 309 में है, अनुच्छेद 309 में, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी 309 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो देखिए समानता का अधिकार ये तो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी यह मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कुछ भी हो जाता है तो आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कहीं पर भी, इसे ही बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का बी। 20 नंबर देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संविधान में जितने भी आपातकालीन प्रोविजंस हैं, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस, यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, इसमें पूछा गया है कि संसद के किस सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो देखिए संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में ही जो है आप संविधान के संशोधन संबंधी इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं विधेयक, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 24 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 इससे संबंधित है कि आप किसी में भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग आप राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी की प्रोविजन कर सकते हैं, 352, 356 और 360, ये तीन जो है आपातकालीन अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 356। आगे देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 370 किस राज्य से विशेष दर्जा प्रदान किया गया था और वर्तमान में हटा दिया गया है, क्योंकि 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर 2019 में राज्य से टूटकर दो केंद्रशासित प्रदेश में बट गया था, ठीक है। 28 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो वित्तीय आपात की घोषणा कब की जा सकती है, अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर, तो इसमें पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
तो लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता में भारत का प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता का प्रतिनिधित्व किए थे। और वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी को ऐसा बोला जाता है कि पॉइजन देके जहर देके उनको मार दिया गया था कुछ खिला के, ठीक है, उनके भोजन में। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान माना जाता है? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें प्रस्तावना में फेरबदल किया गया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न संप्रभुत्व जो बोलते हैं ना, उसी में बदलाव किया गया था यार, वही संविधान था 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30, ठीक है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब अंगीकार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नांकित में क्या मानव अधिकार का उल्लंघन है? विच एमोंग द फॉलोइंग इज अ वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो मानव अधिकार का क्या उल्लंघन है? बंधुआ मजदूरी, जी हाँ बिल्कुल, ये भी है, मानव दुर्व्यवहार, ये भी है, छुआछूत की भावना, ये भी है मानव अधिकार का उल्लंघन, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी मानव अधिकार का उल्लंघन है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव श्रम के दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करता है? तो मानव श्रम के दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 23 संबंधित है इससे और अनुच्छेद 23 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे डी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। पूछा गया है इसमें कि सर्वप्रथम मानव अधिकारों यार सर्वप्रथम मानव अधिकारों को 3 जनरेशन में किसने वर्गीकृत किया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कारेल बसाक, कारेल बसाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 37 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, श्री रंगनाथ मिश्रा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व या भाईचारा जो भी है किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी, तो यह है फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो क्वेश्चन है इसमें कि निम्नांकित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं? ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सिद्धार्थी, और इनको बचपन बचाओ आंदोलन के कारण नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफ़ज़ई को, जो कि पाकिस्तान की लेडी थी, ठीक है, 17 साल की महिला थी, लड़की थी, और हाल ही में इनका शादी भी हो गया है। तो इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो बाल श्रम के लिए दिया गया था, ऑप्शन सी चाइल्ड लेबर के लिए, ठीक है, और इन्होंने विरोध किया था वहाँ के जो क्या थे टेररिज्म, उन सभी से विरोध किया था, और जिसके कारण इसको गोली भी चलाई गई थी, लेकिन ये हौसला से काम लिए और अंततः इन्हें मिला नोबेल प्राइज़। और एक बार नोबेल प्राइज़ मिल गया तो आदमी अमीर बन जाता है, ठीक है, और नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ आ जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से सेट 2 मैं जल्दी से लाऊंगा आपके लिए, एंड सेट 2, सेट 3, एयर जितना भी होगा एग्ज़ाम में सब कुछ करवा दूंगा। और कुछ भी अब भी मन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, बाय।